कर रहे हो? अभी काम कर रहे हैं नाइट में? अभी नाइट में कर रहे हैं, यही तो दिक्कत है साहब। दिन में करें तो कोई दिक्कत है नहीं। सर ये देखिए सर, इधर आइए, लाइट लगा रहे। अब ये देखिए इनका काम, ये रातों रात वाला काम छोड़ दीजिए, पहले चल जाता था अब नहीं चलता साहब। डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसे है जेडे, आप रिपेयर भी ठीक नहीं करा सकते। जय साहब ये लाइव देख लीजिए आप क्या हालात है, 5-5 इंच मिट्टी है ऊपर, आप ऊपर उसी तरह रातों रात काम कर रहे हैं। अभी रातों रात ये मशीन चला के अपनी ऊपर 5-5 इंच मिट्टी है, ये ऐसे कैसे काम करते हैं आप लोग? इसको बंद कराइए, इसको ठीक कराइए आप लोग। थे इन्होंने डिपार्टमेंट ने गल कर दी, उनका चाहिए हेलो नंबर चाहिए ना गल कराए डिपार्टमेंट ने रेलवे डिपार्टमेंट को ठेका होना है, उन्होंने करके दिता लग जाता पता कौन कौन है। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ MLA ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਾਟਕ ਦਾ ਜੀ? ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟਰ ਕੇ ਥਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਥਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसे है जेडे, आप रिपेयर भी ठीक नहीं करा सकते? नहीं जरूर कराएंगे। मैं वहीं पे ना जहाँ आपकी रोड बन रही वहीं पे खड़ा हूँ सर। वीडियो को? अच्छा, आपको वीडियो को फोन चलता है व्हाट्सएप आप पे? कोई प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम नहीं, आपके व्हाट्सएप चल रहा है ये बताइए मेरे को। आप व्हाट्सएप ऑन करिए, आपको लाइव दिखाता हूँ क्या कुछ हुआ है। जय साहब ये लाइव देख लीजिए आप क्या हालात है, 5-5 इंच मिट्टी है ऊपर, अब ऊपर उसी तरह रातों रात काम कर रहे हैं। ये कल भी न्यूज़ चली थी, पहले तो हमें पता नहीं था बट कल हमने भी चैनल पे देखा ये काम हुआ है। मैं तो यहाँ से गांव से अपने गुजर रहा था या वापस आ रहा था, तो अभी ये रातों रात ये मशीन चला के अपनी ऊपर 5-5 इंच मिट्टी है, ये ऐसे कैसे काम करते हैं आप लोग? नहीं आप लोग पहले चेक नहीं करते, बस वहीं बैठ के काम चलाते हैं? यहाँ पे आपके हेड कौन है? तो आप रातों रात इतनी क्या इमरजेंसी, आपको ऊपर लुक भी नहीं इसके? पता क्या होता है सर, दिन में जो है ना नहीं होते, यहाँ पर पब्लिक इतनी है कि काम नहीं करने देते।
तो आपको पता था भी इतनी प्रॉब्लम है, कल से इशू हो रखा है, तो आप लोगों ने फिर ठीक तो करना ही था जई साहब। इसको बंद कराइए, इसको ठीक कराइए आप लोग। ये रातों रात वाला काम छोड़ दीजिए, पहले चल जाता था अब नहीं चलता साहब। आपके कहाँ डीआरएम मैम कौन, मैडम है कौन है वहाँ पे? वो तो मैंने ही बोल दिया साहब, आप कराएं ना कराएं। आपके हेड कौन है यहाँ पे फिरोजपुर में? नहीं नहीं, आपके रेलवे के हेड कौन है यहाँ पे? डीआरएम होते हैं ना, कौन है, कौन है वहाँ पे? उनका नंबर है आपके पास? दीजिए नंबर। दोबारा बोलिएगा। 33233 जी। बत्तीस दो सौ, क्या नाम है इनका ही? आपका क्या नाम है? हाँ जी भाई साहब, रॉन्ग नंबर ना दिए, मेरे को सही नंबर दीजिए। जी सोलंकी सर बोल रहे हैं? हाँ सोलंकी सर। सर मैं जगदीप कंबोज गोल्डी एमएलए जलालाबाद बोल रहा हूँ। नमस्ते, क्या हाल है सर आपके? जी सर, मैं ना अभी अपने गांव से आ रहा था, तो रास्ते में अपने रेलवे फाटक पड़ता है यहाँ पे, मैंने बामनी वाला रोड पे, जिसको जलालाबाद हाट बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ना ये आप यहाँ पे आपकी रिपेयर का काम चल रहा था बामनी रोड पे सर। जब जलालाबाद से बामनी रोड जाते हैं ना, तो पहले जो फाटक आता वहाँ भी वहीं पर सर, कि कल से सर एक इशू है यहाँ पे ना, ये रातों रात काम कर रहे हैं और कोई सफाई नहीं करी इन्होंने रिपेयर पे, ऊपर ही बजरी डाल के टाइम पास करके और यहीं से जा रहे हैं सर। रेलवे का जी, ये फाटक नंबर क्या है? ये फाटक नंबर क्या है बच्चे? C59E2। हाँ जी, यहाँ पे दीपक जैन है, कोई ठेकेदार है, उसके थ्रू काम चल रहा है यहाँ पे। मैं वही गेट पे खड़ा हूँ साहब, इन्होंने क्या किया? गेटमैन कौन है भाई यहाँ पे? सोलंकी सर बात कर। हाँ जी सर, हाँ जी, गेट पे काम चल रहा है क्या रिपेयर का? हाँ जी हाँ जी, चल ही जाना जी। एमएलए साहब है ना तुम्हारे साथ में भी खड़े? एमएलए साहब बोल दीजिए। हाँ जी हाँ जी, एमएलए साहब है ना साथ में? हाँ जी हाँ जी। तो क्या दिक्कत क्या है गेट पे, क्या कर गया अभी? सर देख जिहड़ा हुण बणदा पिआ ना कम चलाई खड़ा, थले मिट्टी आ उवें ते मिट्टी दे उत्ते उवें अपनी बजरी लोक उवें पाई जांदे आ। अच्छा अच्छा ठीक है, फोन दो मेरे साहब को। ठीक जी सर बोलिए। अच्छा मैं भी बात करता हूँ, जो कंसर्न है ना
अगर उसको भेजता हूँ मैं भी चेक कर रहे सो भाई अर्ली मॉर्निंग सर इनको तो इतनी अगर मेरे को फोटो भेज दो तो प्लीज इसको मैं अभी आपको फोटो भेजता हूँ एक मिनट में इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है हाँ व्हाट्सएप एक मिनट ऑन करेंगे मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ सर वहीं पे खड़ा मैं अच्छा दिखा दो अभी व्हाट्सएप ऑन करिए सर मैं दिखा सर गुड इवनिंग जी सर ये देखिए सर इधर लाइट लॉयर अब ये देखिए इनका काम सर इतना इनको इतनी एमरजेंसी सर ये बजरी और लुक सब डाल रहे हैं जी ना तो ऊपर पे लुक मिल रही है हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं सर ये ऊपर बजरी डालेंगे इनका ठेका है कोई रिपेयर का और ये अभी मैं अभी है यही पे सर अभी ये देखिए अभी नाइट में कर रहे हैं यही तो दिक्कत है सर दिन में करे तो कोई दिक्कत नहीं मैं इनका कल सर इनको इनका भी बोलता हूँ कॉल भी करूंगा मैं जी सर थैंक यू जी ठीक है ठीक मैं सुबह कॉल भी करूंगा आपको थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन थैंक यू जी इनको सर समझाइए ऐसे काम मत करें काम बंद करा रहा हूँ सुबह भेजूंगा साइट पे और ये काम बंद करा पे आपसे कॉल भी करूंगा सुबह जय साहब की नाम की है सूरज जी है नहीं उनसे बात हो रही दूसरे फोन पे मैं कर रहा हूँ बात कोई बात नहीं आप छोड़ दो मैं कर लूंगा बात मैंने तो इनको बोला मना कर दो बोले हमने तो काम करके जाना है इतनी मिट्टी है चार पाँच पंजी सर अभी मना करा चिंता ना करो थैंक यू ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸੋ ਆਹ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ ਉਹੀ ਹੈ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾਈਏ ਜਨਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਹੈ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਾ ਚਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਾ ਚਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੀ ਐਮ ਜੋ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਠ ਅੱਠ ਇੰਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਸੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਦੱਸ ਤੱਕ ਪੱਟਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਟਾ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਦੱਸ ਮੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਪਟਾ ਆ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਪਟਾ ਦੱਸ ਦੇ ਆ ਦੇਓ ਬਸ ਕੋਈ ਤੇ ਪੱਟ ਨਾ ਕਾ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਈ ਯਾਰ ਆਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਕਈ ਪਤਾ ਪੱਟ
ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਨੀ ਗੀ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵਿਚਕਾਰੋ ਪੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਪੱਟ ਹੁਣ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਹਣ ਵੀ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ